honor that you can come here. No, no, no. Very happy. Yeah, thank you so much. So you can एक और थीम यूज करो सर के लिए कोई और डिफरेंट थीम कोई भी दिस इज स्टार्टअप थीम सर यू कैन सेल्फी विद 12 डिफरेंट थीम दिस इज पीएम आवर डिजाइन प्लीज सर संस्कृति और भारतीय मूल्यों का पतन नहीं होने दिया। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सत्ता जीत गए और यही वो समय था जब अंग्रेज और करीब 200 साल तक राज्य 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के बाद यहाँ शासन सर सेम सेल्फी ग्रुप का सिनेमा मेजर सर टेक्नोलॉजी एंड साइंस दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड ये रहा रोड के प्लस पे मुझे तो नाम दिस इज पब्लिक ऑफिस इंग्लिश कितना भी अपना है तो नहीं बोला कचोर एक सेल्फी का नाम होता है तो राउंड वाला तो राउंड वाला ठाकुर बोतले Yes.
पर्दा बंद करो नहीं पर्दा बंद प्रोजेक्शन मैपिंग करके सर प्रोजेक्शन मैपिंग करके एक फिल्म है ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा लाइक एन ऑटो बायोग्राफी इन सिनेमा होल्ड किसने बनाया सर ये आप अच्छी है मैंने कल देखा और वो लेजर शो भी बढ़िया है मतलब बच्चों के लिए हमको प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन सेंटर की रिंग चल रही है प्रोग्रामिंग हो जाएगी अलग अलग ग्रुप की एंड दे कैन डू द 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी थिंग थ्रू दिस हाउ मच अ मशीन विल कॉस्ट एंड यू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम टू रन इट अंदाजा तो
the content. आप किसी भी क्लिक करो थीम चेंज करो। एक और थीम सर के लिए ट्राई करो, पीएम किसान कर सकते हैं, ट्राई करो। आप इसमें देख सकते यस सर राइट। कैमरे की तरफ आप देखते पहले वो पोजिशन कर रहे हाँ क्लिक करो। इफ यू कैन अनदर थीम वी कैन ट्राई, एक और कोई थीम ट्राई करो। देन स्टार्टअप इंडिया थीम सर क्या क्या डिजिटल इंडिया ट्राई कर सकते हैं प्लीज। वन मोर कोई भी करो। सीबीसी की टीम ऊपर रियाज भाई वाइड कर दो, वाइड आ जाएगा सर, वाइड कर देंगे।
नए भारत को बनाने की एक लंबे समय से चली आ रही है। समय की इस यात्रा में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई आक्रमण झेले और बहुत लंबा समय गुलामी के कुचक्र में भी व्यतीत किया, परंतु कभी भी हमने अपनी विरासत, संस्कृति और भारतीय मूल्यों का पतन नहीं होने दिया। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सत्ता जीत गए और यही वो समय था। I think at the IFFI Cinemela, it's important to see the history and the new technology, new interventions like from VFX to the use of virtual reality, which can take you deep into the history and the good cinema which was made from the time of Raja Harish Chandra to the current movies. And I think it's a good place to explore, experience and get educated for the cinema lover.